ठीक है दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से फ्यूचर्स काम करते हैं, फ्यूचर क्यों बनाए गए, व्हाट इज द लॉजिक टू डेवलप दीज फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बाय द स्टॉक एक्सचेंजेस, और फ्यूचर्स के अंदर क्या वाकई ही जीरो सम गेम है, क्या इसमें एक बंदे का प्रॉफिट या दूसरे का लॉस होता है, या इसमें किस तरह के पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ट्रेड कर रहे होते हैं, वो सारा आज हम समझेंगे। फ्यूचर्स का बेसिक्स पूरा कंप्लीट लॉजिक क्या है, क्या जैसे लोग कहते हैं कि फ्यूचर्स जो है बेसिकली एक जीरो सम गेम है जिसमें एक का लॉस दूसरे का प्रॉफिट, समथिंग लाइक दैट। तो मैं इस पूरी जो मिथ्स हैं इसको मैं आज रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगा, आपको प्रॉपर गाइड करूंगा कि किस तरीके से फ्यूचर्स जो हैं वो काम करते हैं, और एक्सचेंज ने फ्यूचर्स बनाए क्यों होते हैं, और इसमें पार्टिसिपेंट्स कैसे अपना ट्रेड करके बेनिफिट या नुकसान करते हैं, वो सारा आज हम डिस्कस करेंगे थॉरली। देखो तो सबसे पहले फ्यूचर्स जो हैं वो डेरिवेटिव एक्सचेंज शिकागो मर्चेंट एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किए थे। इसके पीछे मेन रीजन था हेजिंग का, फ्यूचर स्पेकुलेशन के लिए यूज नहीं हुए थे, फ्यूचर बने थे हेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने अंडरलाइंग रिस्क को हेज कर सको। अब हेजिंग क्या चीज है, देखो हेज बेसिकली हेज का मतलब है कि अगर आप एक जगह से प्रॉफिट बना रहे हो तो आपका कहीं और लॉस हो सकता है, या कहीं आपका लॉस है तो आप कहीं और से उस लॉस की भरपाई कर सकते हो। तो पहले फ्यूचर्स बनाए गए थे हेजिंग के पर्पज से, और फ्यूचर्स जो सबसे पहले काम आते थे या जो फ्यूचर बनाए गए थे वो बनाए गए थे कमोडिटीज के अंदर, कमोडिटीज फ्यूचर्स। देन स्लोली स्लोली फ्यूचर्स जो हैं वो इक्विटी के अंदर या जो अपने अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनमें भी इंट्रोड्यूस कर दिए गए। अब मैं पहले आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फ्यूचर्स के अंदर किस तरीके से कमोडिटी फ्यूचर्स काम करते हैं, आप समझेंगे कि कैसे फ्यूचर्स को यूज करके जो ट्रेडर्स हैं अपना अंडरलाइंग रिस्क है जो वो मैनेज करते हैं। सपोज एक फार्मर है फ्रेंड्स, एक फार्मर है, किसान है, किसान जो है वो एक पोटैटो ग्रोवर है। क्या है? पोटैटो ग्रोवर है। तो वो जो फार्मर है वो जैसे ही वो पोटैटो अपने जो खेत में अपने आलू उगा रहा है, पोटैटो ग्रो कर रहा है, तो अल्टीमेटली अब वो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मार्केट, फ्री फ्लो मार्केट या जो है गवर्नमेंट की तरफ से MSP डिक्लेयर्ड मार्केट्स। तो फ्री फ्लोट मार्केट में क्या रहता है कि जो प्राइस है किसी भी कॉमोडिटीज के वो मार्केट सिलेक्ट करती है। मार्केट मीन्स कि अगर डिमांड होगी तो चीज का रेट इंक्रीज होगा, अगर डिमांड नहीं है तो प्राइस फॉल करेगा। तो ये सारी चीजें जो है फ्री फ्लोट मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी के प्राइस कितने भी हाई और नीचे जा सकते हैं। बट इंडिया में क्या है, जैसे कि MSPs हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसी खास जो जो क्रॉप्स हैं जिनके MSP डिक्लेयर करती है, तो वो प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है। बट वेजिटेबल्स के केस में अगर हम बात करें तो प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं मार्केट और के अंदर सप्लाई और डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी सप्लाई या डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंगली प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे। तो एक फार्मर है जो पोटैटो ग्रो कर रहा है, मान लीजिए उसके पास कुछ लैंड है, 40 एकड़ लैंड है, 40 एकड़ लैंड है उसके पास, जो उस 40 एकड़ लैंड के अंदर वो आलू उगाना चाहता है। अब उस पर्सन को पता है कि आलू जो है 1 KG पोटैटो की, 1 किलो आलू की जो कॉस्ट है वो 5 रुपये पड़ती है, 5 रुपये पर केजी। सपोज 1 किलो आलू की जो कॉस्ट है वो कितनी पड़ रही है, 5 रुपए। हाँ, 5 रुपीज। तो लेट सपोज, अब मान लीजिए कि अनसर्टेनिटी है, आलू का रेट ज्यादा कम भी हो सकता है, बट अगर आपको पता चल जाए कि आपका आलू 10 रुपए किलो बिकेगा ही बिकेगा तो आप कॉन्फिडेंटली खेती कर सकते हो, इज इट राइट? बट अगर आपको ना पता हो तो वो 5 का 2 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, वो एक अनसर्टेन इन्वायरमेंट हो गया। बट अगर आपका पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, मतलब आप जब आप फसल को बीज रहे हो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाए कि 3 महीने बाद आपका कोई पार्टी आलू, आपका जो फसल है, आपकी जो जो भी आपकी आउटपुट है वो इस पर्टिकुलर रेट पे खरीदेगी, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं बेसिकली द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पार्टीज, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए एक फार्मर है, उसके पास एक जो बायर आया, बायर उसको बोलता है कि मैं आपका जो आलू है वो खरीदना चाहता हूँ, सपोज 10 रुपए केजी पे, कब? आफ्टर 3 मंथ्स, कि मैं 3 महीने के बाद आपका जो पोटैटो है वो जो आपने जितना भी आप आलू पोटैटो ग्रो करोगे मैं 10 रुपए केजी के हिसाब से खरीद लूंगा। अब किसान का उस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, बायर के साथ, किसान भी खुश संतुष्ट है कि मेरा आलू 10 रुपए किलो बिकेगा ही बिकेगा, तो वो इजिली खुश होके जो है अपने खेत में आलू उगा सकता है। अब दो चीजें हो सकती हैं, अब मान लीजिए ये दो दो पार्टीज थी, मैं यहाँ पे लिखूंगा एफ मीन्स फार्मर और दूसरी तरफ बी मीन्स बायर, इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट, बायर बोलता कि मैं आपका पोटैटो 10 रुपए केजी के हिसाब से बाय कर लूंगा, और फार्मर को पता है कि मेरी 1 किलो आलू उगाने की जो कॉस्ट है 5 रुपए केजी है।
अब आलू की फसल 3 महीने में तैयार होती है, 3 महीने के बाद किस फार्मर बायर को जितने उनकी डील हुई है, जितना उनका एग्रीमेंट हुआ है, उतने आलू प्रोवाइड करेगा और बायर 10 रुपए किलो के हिसाब से पेमेंट करेगा। इज इट राइट? यहां तक समझ आया? क्या इस केस में जो जो किसान है वो संतुष्टि से अपने 40 एकड़ में जितनी भी फसल उगाना चाहे उगा सकता है, जितना उसके साथ डील हो गई है, वो बेफिक्र है, निश्चिंत है, क्योंकि उसका क्या हो चुका है, 1 किलो का 10 रुपए के हिसाब से रेट तय हो चुका है। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब क्या जब किसान का फसल बेचने का टाइम आएगा, क्या उसको क्या उस समय भी 10 रुपए के हिसाब से ही मार्केट में पोटैटो चल रहा होगा या कुछ और भी रेट हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। अब वो सिनारियो लेके चलते हैं। मान लीजिए इन दोनों का आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब बात करते हैं कि लेट सपोज जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट था वो था 100, मतलब 1000 क्विंटल का कॉन्ट्रैक्ट था। कितने का था? 1000 क्विंटल का। अब 1000 क्विंटल का कॉन्ट्रैक्ट था। अब हुआ क्या, देखो, मान लीजिए कि जो बेसिकली किसान है उसने उसकी उसकी अपनी कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए पर केजी। अब हुआ क्या, 3 महीने आते आते आलू के जो रेट हैं वो हो गए सपोज मार्केट में, अभी जो मार्केट में ओपन मार्केट में आलू का रेट चल रहा है वो चल रहा है 8 रुपए किलो। कितना रेट चल रहा है? 8 रुपए पर केजी। अब किसान की डील कितने पे हुई है? 10 पे। तो वो जो बायर है किसान से आलू खरीदेगा कितने रेट, किस रेट पे खरीदेगा? 10 के रेट पे। तो डील कितने की हुई है? 10 की हुई है। बट अभी जब पोटैटो पूरा ग्रो हो चुका है तो मार्केट में किस रेट बिक रहा है? 8 रुपए। तो इसमें इसमें 2 रुपीज पर केजी का बेनिफिट किसका है? किसान का। या तो जो वो बायर है किसान को 2 रुपए का लॉस कंपनसेट कर दे, उसको बोले कि ठीक है भाई, तो अपने मार्केट में 8 रुपए किलो के हिसाब से बेच ले, ये पकड़ मेरा नुकसान 2 रुपए, तो 2 रुपए जो कॉन्ट्रैक्ट का डिफरेंस है वो 2 रुपए आप ले लीजिए, या फिर वो डिलीवरी भी ले सकता है 10 रुपए की पेमेंट करके। तो इस केस में किसान का 5 रुपए किलो वाली आइटम 10 के भाव बिक गई है, बट इस केस में किसका नुकसान हुआ, बायर का या किसान का? बायर का। क्योंकि अगर बायर ये डील ना करता तो वो ओपन मार्केट से आज 8 रुपए किलो के हिसाब से आलू ले सकता था, बट उसने डील की तो उसको डील पूरी करनी पड़ी, तो उसने 2 रुपए पर केजी का नुकसान सहा। इज इट राइट? कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब एक और चीज लेके चलते हैं कि मान लीजिए प्राइस ऊपर जाने की बजाय नीचे आ गए, 2 रुपए किलो पे आ गए। कितने पे आ गए? 2 रुपए किलो पे आ गए। ओपन मार्केट में आलू का रेट बिक रहा है 2 रुपए किलो। इस केस में किसान को कितना बेनिफिट हुआ? 8 रुपए का, क्योंकि उसने तो डील कर रखी है ना 10 रुपए के हिसाब से। वो 2 रुपए किलो आ गए, या तो वो बोलेगा ठीक है अभी मुझे 10 के हिसाब से पेमेंट दो, या फिर मैं अपने आलू 2 रुपए किलो के हिसाब से ओपन मार्केट में बेच लेता हूँ, मुझे जो लॉस है वो पे कर दो। जो इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसमें ये बायर है, किसान सेलर है। अब रेट सेल नीचे आ गए तो बायर का नुकसान है, सेलर का बेनिफिट है। एक तीसरी चीज भी लेके चलते हैं, थर्ड थिंग, कि जो प्राइस है वो हो गया मान लीजिए 30 रुपए पर किलो। कितने पे? 30 रुपए पर केजी। अब इस केस में किस पार्टी का नुकसान है, बायर का या सेलर का? सेलर का, क्योंकि जो बायर है उसकी डील कितने पे हो रखी है? सेलर जो है वो किसान है, सेलर ने ये कितने पे कमिटमेंट की हुई है माल देने की? अब रेट कितना हो चुका है? 30। जो बायर है वो बेनिफिट में है, क्योंकि उसने उसको 10 रुपए के हिसाब से डील मिलेगी। अब वो किसान की मजबूरी है डील वहां वो देना उसको, क्योंकि वो उसने डील कर रखी है। अब इस केस में जो बायर है उसको कितने का बेनिफिट हुआ? 20 रुपए पर केजी का। तो इस तरीके से जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मार्केट। कौन सी मार्केट है? फॉरवर्ड मार्केट, जहां पे दो पार्टी आपस में डील कर रही है। देखो तो इसमें नुकसान किसान का भी नहीं है। देखो किसान को एक चीज तो अश्योर्ड होगी ना कि मेरा माल 10 रुपए के हिसाब से उठेगा ही उठेगा। हाँ, उसके बाद 20 का रेट हो जाए, 30 का रेट हो जाए, 40 का रेट हो जाए, वो एक अलग स्टोरी है। बट एटलीस्ट वो खुशी खुशी जाकर अपने खेत में एक पर्टिकुलर एरिया में 20, 30, 40 एकड़ जितनी उसके पास लैंड है पूरी कैलकुलेशन करके वो खेती तो कर सकता है ना। उसको ये डर तो नहीं है कि जब मेरा बेचने का टाइम आए 2 रुपए किलो का रेट बचे और मुझे कुछ मिले ही ना। उसको ये कंफर्म हो गया कि मेरा 10 रुपए के हिसाब से माल उठेगा। हाँ, अगर वो डील ना करता तो बेशक वो 30 रुपए किलो बेच सकता था, बट ये भी सोचो कि अगर वो डील ना करता तो भले ही उसको 1 या 2 रुपए भी बेचने पड़ सकते थे। तो इसमें इसमें किसान संतुष्ट है अपने लेवल पे। अब चलते हैं बायर के केस में। जो बायर है वो कौन है? देखो वो कौन है बायर, जिसको आलू चाहिए। अब आलू को किसको चाहिए होता है इतनी बल्क में? मान लीजिए वो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, हो सकता है ना चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री हो। अब जो चिप्स बनाने वाली कंपनी है
उनको अपनी कॉस्टिंग पहले कैलकुलेट करनी पड़ती है कि हमें इतना सामान चाहिए, इतने का हमारा आउटपुट निकलेगी, इतने का हमने पैकेट बेचना है। वो सारा जो प्रोसेस है वो पूरा उन्होंने प्री डिफाइन किया होता है। ऐसा नहीं है कि वो हाँ जी आज आलू 20 रुपये किलो हो गया तो चिप्स का रेट बढ़ा के 30 रुपये पैकेट कर देंगे, या आलू 2 रुपये किलो रह गया तो चिप्स का पैकेट जो है वो 5 रुपये कर देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। लेज का पैकेट 20 का चल रहा है तो 20 का ही मिलेगा, 30 का तो 30 का ही मिलेगा। मार्केट में आलू की फ्लक्चुएशन आती रहे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेचने वाले लोग हैं, सेलर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनके साथ उनकी डील है चिप्स बनाने वाली कंपनी की कि भैया आप ये वैरायटी उगाइए, हम आपका माल इस रेट पे लेंगे ही लेंगे। बात समझ रहे हो ना? तो उस केस में चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री का बेनिफिट क्या है? देखो उन्होंने डील की 10 रुपए के हिसाब से। अब चाहे माल, चाहे रेट 2 रुपए किलो आ जाए, चाहे रेट चला जाए 100 रुपए किलो, उनको 10 रुपए के हिसाब से ही भुगतान करना है। उनको एक चीज, वो मेंटली फ्री है, टेंशन फ्री हो गए कि उनको 10 रुपए किलो के हिसाब से पोटैटो मिलेगा। अब चाहे आलू 100 रुपए किलो भी हो गया तो उनकी उनके जो चिप्स की कॉस्टिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आलू सस्ता भी हो गया वो ज्यादा पैसे दे देंगे, क्योंकि उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है, वो जो डिसाइड कर रखा है बेसिकली, वो 2 रुपए किलो के हिसाब से उन्होंने 10 रुपए किलो के हिसाब से डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है। आई होप आप समझ गए इतना। तो इस केस में जो चिप्स बनाने वाली फैक्ट्री है, उन्होंने कंपनी है, जो बायर है उनकी 10 रुपए की डील हो रखी है। तो इस केस में होता क्या है कि ये दोनों पार्टियों ने अपना रिस्क हेज कर लिया। बेचने वाले ने 10 रुपए पर कमिटमेंट कर दी, अपनी कैलकुलेशन कर ली कि मेरा माल 10 के हिसाब से बिकेगा, 5 रुपए की मेरी कॉस्ट है, 5 रुपए का मेरा बेनिफिट है। खरीदने वाले बंदे ने कैलकुलेशन कर ली कि हमें 10 रुपए में लेने में बेनिफिट है, क्योंकि हम जब चिप्स बेचेंगे हमें इतनी कॉस्टिंग करके ही हमारा चिप्स इतने का बिक जाएगा, तो अगर हम 10 रुपए किलो के हिसाब से भी लेंगे तो भी हमें बेनिफिट है। उसके बाद रेट चढ़े या गिरे, बेचने वाले का बिकेगा 10 रुपए के हिसाब से और लेने वाले को मिलेगा 10 के हिसाब से। अगर हाँ रेट में डिफरेंस आया तो वो दोनों इस सौदे को आपस में सेटल भी कर सकते हैं। कैसे? जो बायर है अगर रेट कम हो गया तो सेलर उसको भुगतान पेमेंट कर देगा, भाई ठीक है तू कहीं और बेच ले, जो तेरा बेनिफिट है मेरे से ले ले। या अगर रेट चढ़ गए तो अगर ये किसान नहीं देता है तो किसान को लॉस देना पड़ेगा। तो ये पहले से इस तरह की मार्केट को बोलते थे फॉरवर्ड मार्केट। क्या बोलते थे? फॉरवर्ड, जहां पे दो पार्टियां एक फसल उगाने वाली और एक फसल उठाने वाली आपस में डील कर लेती थी, जिससे दोनों पार्टियां संतुष्ट रहती थी। बट आगे जाके कई बार होता क्या है कि फॉरवर्ड मार्केट के बाद यही कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज ने शुरू कर दिए। एक्सचेंज कहती है आओ आप मेरे पास आओ, हम आपकी डीलिंग कराते हैं, हम आपको जो है बाय और सेलर हम मिलवाते हैं आपस से। तो एक्सचेंज ने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट शुरू किए, जिसमें एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया लॉट साइज, कि हमारा लॉट साइज इतने का होना चाहिए, हमारी एक्सपायरी डेट मीन्स जो सेटलमेंट डेट है वो कौन सी होनी चाहिए, वो सारा एक्सचेंज सेट करती है कि हमारी जो इस वैरायटी का आलू की ये एक्सपायरी डेट है और इसका लॉट साइज 100 क्विंटल का है, तो आप आके ट्रेड करो। अब मैं आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहता हूं कि मान लीजिए एक्सचेंज पे आलू 20 रुपए किलो बिक रहा है, कितने पे बिक रहा है? पोटैटो, ठीक है ना। आलू की ट्रेडिंग होती है कॉमेक्स में, ट्रेडिंग होती है कमोडिटी मर्चेंटाइल एक्सचेंज यूएसए में। मान लीजिए आलू जो है वो 20 रुपए किलो बिक रहा है। अब मान लीजिए कि आप हो किसान, क्या है आप किसान हो, आपको आलू उगाने की जो कॉस्ट पड़ रही है, पोटैटो की कॉस्ट पड़ रही है 8 रुपए पर केजी, कितनी पड़ रही है? और एक्सचेंज पे कॉमेक्स में जो आलू का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 20 रुपीज, कितना चल रहा है? मतलब मैं रुपीज ले रहा हूं जो आपको सिखाने के लिए, एक्सचेंज यूएस एक्सचेंज है, वहां डॉलर में ट्रेडिंग होती है। अब आप किसान हो तो आप मुझे आंसर दीजिए, अगर आप अपने अपना रिस्क हेज करना चाहते हो तो यहाँ पे आलू ये लॉट बेचोगे या खरीदोगे? ये लॉट बाय करोगे, ये यहाँ पे लॉट बाय करेंगे सेल करेंगे? ये सेल करोगे? आप किसान हो, सेल करेंगे आप, क्योंकि आप किसान हो, आपके पास तो घर पे गोदाम में आलू पड़े हैं। आप जब किसी भी फ्यूचर को सेल करते हो तो आप कहते हो कि मैं आपको दूंगा किस रेट पे, जो भी रेट चल रहा है 20 रुपए पे। आपने जब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट 20 रुपए पे बेच दिया तो एक्सपायरी वाले दिन आपको उसकी डिलीवरी देनी पड़ेगी, या फिर प्राइस का मिसमैच है वो आपको मिल जाएगा या आप देना पड़ेगा। आप अगर किसान हो तो आप 20 रुपए पर किलो पे आलू का फ्यूचर का लॉट वहां पे क्या करोगे, बाय या सेल? सेल करेंगे। अब चलते हैं आगे, आपने फ्यूचर का लॉट सेल कर दिया, अब चलते हैं आगे क्या हुआ। अगर लॉट जो है प्राइस फॉल कर गया, फ्यूचर में क्या हो गया, प्राइस फॉल कर गया, मान लीजिए प्राइस 20 से 10 रुपए पर केजी आ गया। अब जो आपके पास अपना, आपने जो डील कर रखी है किस रेट पे कर रखी है? 20 पे कर रखी है ना? नहीं, 8 तो आपके उगाने की कॉस्ट है, आपने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रखा है। अगर यहाँ पे 10 रुपए किलो आ गया तो आप इसको 10, आपने कोई
लॉट सेल किया हो, आप सेल वाली पोजीशन को कैसे कवर करते हो? बाय करके। मान लीजिए एक्सपायरी वाले दिन 10 रुपए का रेट चल रहा है, आपने ये फ्यूचर का सौदा काटना है, तो अभी आप यहाँ पे इसको क्या करोगे, बाय करोगे सेल करोगे? क्योंकि आपने ऑलरेडी सेल कर रखा है, आपने इसको बाय कर लिया। किस रेट पे सेल किया था? 20 पे। बाय कितने पे किया? 10 रुपए पे। तो कितने का बेनिफिट हुआ? 10 का। ठीक है, दूसरी चीज, मंडी में रेट कितना चल रहा है आलू का? 10। ठीक है, आपने 10 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेच दिया, आपकी अपनी कॉस्ट कितनी थी? तो अगर आपने मंडी में 10 रुपए किलो के हिसाब से आलू बेचा तो कितने रुपए का बेनिफिट हुआ? 2 रुपए का बेनिफिट आपने मंडी से लिया और 10 रुपए का बेनिफिट आपने एक्सचेंज से लिया, तो कितने का बेनिफिट हुआ? आपने आपका उगाने की कॉस्ट कितनी थी, आपने बेनिफिट कितना बनाया? तो अल्टीमेटली आपका माल 20 रुपए के हिसाब से बिक गया, क्योंकि 10 रुपए आपने एक्सचेंज से बनाए और 8 रुपए वाली चीज 10 की बेच के 2 रुपए मंडी से बनाए, तो अल्टीमेटली आपका माल कितने बिक गया? 20 पे। समझ आई ना बात? तो अगर आप जितना घाटा आप वहां खाओगे स्टॉक फिजिकल में, वो सारा भरपाई आपकी कहां से होगी? एक्सचेंज से होगी। अब दूसरा दूसरा पहलू भी लेके चलते हैं। आपने डील की थी ना 20 रुपए में कि मैं इसको बेचूंगा, आपने लॉट बेचा तो 20 रुपए बेचने की डील की है ना। दूसरा पहलू भी लेके चलते हैं कि अगर रेट इंक्रीज हो जाते हैं तो। देखो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने 20 रुपए पे एक लॉट सेल कर दिया पोटैटो का फ्यूचर में, अब एक्सपायरी आते आते प्राइस इंक्रीज होके हो गया 40 रुपए पर केजी। कितना हो गया? 40 रुपए पर केजी हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 20 रुपए के हिसाब से डिलीवरी छोड़ दो, फ्यूचर के अंदर डिलीवरी देने का ऑप्शन होता है ना, तो डिलीवरी किस रेट पे निकलेगी, 20 पे या 40 पे? यार 20 पे निकलेगी ना, क्योंकि आपने 20 रुपए सेल ही किया उसको लॉट को, 40 तो मार्केट का रेट है। आपकी आपने डील किस पे की है? 20 पे। तो आपका माल तो 20 पे बिकेगा, तो रेट जितना मर्जी ऊपर चला जाए आपको 20 के हिसाब से ही पेमेंट मिलेगी, क्योंकि आपने कितने पे लॉट सेल किया है? 20 पे। अगर आप कहते हो कि नहीं सर मैं बेचना नहीं चाहता, तो फिर आपने जो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर रखा है, आपने फ्यूचर में एक लॉट सेल कर रखा है ना, सेल वाली पोजीशन को कैसे क्लोज करोगे? आपको जब आपने 20 पे सेल किया हुआ है, आप उसको बाय कितने पे करोगे? तो कितने घाटा बढ़ेगा? 20 का। अब जो आपके पास आलू बचे हैं, वो चाहे आप ओपन मार्केट में बेचो, वहां से 40 रुपए ले लो, बट जितना आप ओपन मार्केट में बेच के वहां से 40 रुपए में बेचोगे, बट आपको एक्सचेंज में 20 रुपए का लॉस उठाना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, आपका जो प्राइस आपको जो मिलने वाला है वो वही होगा जो प्राइस आपने एक बार डील कर ली। तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इस पर्पस से बने हैं कि आप अपने अंडरलाइंग एसेट का जो रिस्क है उसको हेज कर सको। आपने एक बार डील कर लिया कि भाई मेरा आलू 20 रुपए किलो बिकना चाहिए, चाहे वो रेट गिरेगा या चढ़ेगा, आपका वहां पे 20 का रेट फिक्स हो गया, मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह दूसरा पार्ट है जो खरीदने वाला बंदा है, वो कौन है? इंस्टीट्यूशनल है। इंस्टीट्यूशनल मीन्स बड़ा प्लेयर है, जिसको आलू अपने खेत के लिए चाहिए। उसको उसने जब वो 20 रुपए पे लॉट खरीद लिया, जब रेट चाहे गिरे या चढ़े, उसने उसको कितने रुपए पे मिलेगा माल? तो दोनों पार्टियों का रिस्क क्या हो गया? हेज। क्योंकि जो आलू प्रोसेस करने वाली कंपनी है, चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उसने अपनी कॉस्टिंग को पहले ही कैलकुलेट कर लिया 20 रुपए के हिसाब से। किसान ने अपना पहले रिस्क कैलकुलेट कर लिया कि मैं अगर मुझे मेरी उगाने की कॉस्ट 8 रुपए है, अगर मेरा 20 रुपए में माल निकल रहा है तो मैं वो भी खुश हूं। तो दोनों पार्टी सेफ है इस केस में, बेचने वाले का 20 रुपए बिक रहा है, लेने वाले का 20 रुपए मिल रहा है, और दोनों संतुष्ट हैं इस रेट पर डील करने के लिए। रेट चढ़े या गिरे, दोनों की डील 20 पे ही होगी। तो फ्यूचर इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए थे, जहां पे दो पार्टियां आपस में अपना अंडरलाइंग हेज कर सके रिस्क को। अब फ्यूचर में दो तरह के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ध्यान से समझना। पहला पार्टिसिपेंट जो होता है उसको बोलते हैं कमर्शियल्स। क्या बोलते हैं? कमर्शियल कौन होते हैं दोस्तों? बड़े प्लेयर्स, जैसे कि चिप्स बनाने वाली कंपनी। वो सिर्फ वो लॉट इसलिए नहीं ले रही कि उसको वो लेके हाई रेट पे बेचना है, नो। वो उन्होंने बाय इसलिए किया लॉट क्योंकि उनकी फैक्ट्री में आलू चाहिए। तो इस तरह के प्लेयर को क्या बोलते हैं? कमर्शियल्स। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्पेक्यूलेटर्स। कौन होते हैं? स्पेक्यूलेटर्स। अब कमर्शियल में कौन आएगा? देखो दोस्तों, अब फार्मर जो है वो भी कमर्शियल है, क्योंकि वो फ्यूचर में ट्रेडिंग जो कर रहा है, वो फ्यूचर में ट्रेडिंग करके पैसे बनाने के लिए नहीं कर रहा है, वो सिर्फ अपना माल बेचने के लिए या अपना रिस्क हेज करने के लिए कर रहा है। इज इट राइट? और जो कंपनीज हैं, जैसे जो पोटैटोज को यूज करती हैं चिप्स वगैरह बनाने के लिए, वो भी कमर्शियल में आते हैं, तो आपस में डील चल रही है। तो इन दोनों की आप ये कमर्शियल का पार्ट हो गया, बड़े इंस्टीट्यूशंस। स्पेकुलेटर होते हैं जो ट्रेडर होते हैं, जो ट्रेडर जो है एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं खड़े होके, जिनका उस अंडरलाइन से कोई लेना देना नहीं है,
वो सिर्फ बेट लगा रहे हैं कि रेट चढ़ेगा या रेट गिरेगा। अगर उनको लगता है कि प्राइस गिरेगा या चढ़ेगा तो वो उसी के हिसाब से बाय और सेल करते हैं। इनका कोई लेना देना नहीं है, ये स्पेकुलेटर हैं, सट्टेबाज हैं। ये लोग इनका लेना देना है, इनके इनके हिसाब से रेट कुछ भी हो जाए, इन्होंने जो डील कर ली कर ली। अब मार्केट में ज्यादातर केसेस में क्या रहता है, कमोडिटी मार्केट में स्पेक्यूलेटर और कमर्शियल्स की आपस में लड़ाई होती है। ऐसा नहीं है कि कमर्शियल कमर्शियल की भी हो सकती है, एक कमर्शियल आलू उगाने वाला और दूसरा आलू कंज्यूम करने वाला, बट ज्यादातर केसेस में जैसे गोल्ड हो गया या मेटल्स हो गए या कोई और कमोडिटीज होगी, क्रूड ऑयल हो गया, तो इसमें क्या होता है, बायर और सेलर तो होंगे ही, कमर्शियल तो होंगे ही, बट बीच में एक और पार्टी होती है जिसको क्या बोलते हैं, स्पेक्यूलेटर्स, ट्रेडर्स, जो जिनका कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ उनका एक ही पर्पस है कि रेट ऊपर जा रहा है खरीदो, रेट नीचे जा रहा है तो बेचो। बात समझ आई ना? तो ये पार्ट तो आपस में जब कई बार देखने में आया है कि कमर्शियल जो है अगर किसी कमोडिटी को बाय कर रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए, तो जो उनके काउंटर पार्टी होती है जब वो बाय कर रहे होते हैं किसी चीज को, कोई ना कोई तो बेच रहा होगा, तो बेचने वाली पार्टी जो होती है स्पेक्यूलेटर होते हैं। तो जब ये बाय कर रहे हैं वो सेल कर रहे हैं, इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट बनना। क्या बनना? जब एक पार्टी एक लॉट खरीद रही है, दूसरी पार्टी एक लॉट बेच रही है, तो क्या क्रिएट हो रहा है? ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट तब इंक्रीज होता है जब एक खरीदने वाला पर्सन है एक लॉट को बेच रहा है एक्सपायरी से पहले पहले। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि कमोडिटीज के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो कमर्शियल्स और स्पेकुलेटर के आपस में भी आपस की ट्रेडिंग से बनता है। कमर्शियल जो है वो उस कमोडिटी को कंज्यूम करने वाले प्लेयर्स हैं, और जो स्पेकुलेटर्स हैं वो उस कमोडिटी को में सट्टा खेलने वाले लोग हैं। तो अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दोनों में से, दोनों पार्टीज में से कौन सी पार्टी ज्यादा अकलमंद होती है आपके हिसाब से, कमर्शियल या स्पेकुलेटर्स? देखो, होने वाले स्पेकुलेटर भी हो सकते हैं अगर उनके पास कोई न्यूज इन्फॉर्मेशन है, बट जनरली कमर्शियल्स ये वो लोग हैं जो उस कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो नेचुरल सी बात है ये ज्यादा अकलमंद होते होंगे। तो एक ना रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं सीओटी रिपोर्ट। क्या बोलते हैं? सीओटी रिपोर्ट। सीओटी रिपोर्ट का मतलब है कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। क्या नाम है? कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स। ये कमोडिटी रिपोर्ट हर हफ्ते छपती है कोमेक्स की तरफ से, कोमेक्स की तरफ से छपती है हर हफ्ते। इस रिपोर्ट में गोल्ड, बाकी मेटल्स, फॉरेक्स और जितने भी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं, इनकी एक रिपोर्ट छपती है कि किस कमोडिटी में कितने स्पेक्यूलेटर्स बाय करके बैठे हैं, कितने हेजर्स या कमर्शियल्स सेल करके बैठे हैं, कितने हेजर्स या कमर्शियल बाय करके बैठे हैं, कितने स्पेक्यूलेटर्स सेल करके बैठे हैं। अगर हम सीओटी रिपोर्ट को डिकोड कर लें तो हमें एक आइडिया लगता है कि किस कमोडिटीज के अंदर इंस्टीट्यूशनल्स मींस कमर्शियल की क्या पोजीशन है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रहती है, बट इसको थोड़ा सा, जैसे ये सरकारी रिपोर्ट है वैसे उनकी वेबसाइट पर छपती है सीओटी रिपोर्ट पे। तो सीओटी रिपोर्ट अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट। बट इस ट्रेडर से हमें एक व्यू मिल जाता है कि बड़े प्लेयर्स क्या सोच रहे हैं। तो अगर इस व्यू को आप डिकोड करने में सफल हो गए तो कमोडिटी मार्केट की काफी सारी चीजें हम डिकोड कर सकते हैं कि हमें आने वाले समय में पर्टिकुलर क्लास ऊपर जाएगी, पर्टिकुलर कमोडिटी नीचे जाएगी। तो दोस्तों इतना मैंने थोड़ा सा आपको फ्यूचर्स आपके साथ शेयर किया है। आई होप जो है ये आपको जो है सही लगा होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप अभी डाउनलोड कीजिए सीओटी रिपोर्ट, मुझे दिखाइए, अगर कोई चीज ना समझ आए तो मेरे से शेयर कीजिए, ठीक है ना? सो थैंक यू वेरी मच। अभी यहाँ पे हम सेशन वाइंड अप करते हैं।